नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रिक विगरा चैनल में। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं बीएसएफ हेडकांस्टेबल आरओआरएम 2019 जॉब भर्ती प्रोसीजर में। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं लॉजिकल रीजनिंग से संबंधित ही हमारा आठवां टॉपिक नंबर है फ्रेंड्स, यानी कि टॉपिक नंबर 8 यहाँ पर रहने वाला है सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। ठीक है, यानी कि ऐसे क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकते हैं। लॉजिकल रीजनिंग का ये आठवां पार्ट है फ्रेंड्स। जो भी स्टडी कर रहे हैं वो इन इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चन को जरूर देख कर जाए। ठीक है, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो बनता है, प्लस आज हमसे जुड़ जाए। तो फ्रेंड्स वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कथन में क्या पूछा जाता है, आपकी नौकरानी ने आपको अपनी बेटी की शादी में आमंत्रित किया है, आप क्या करेंगे। तो फ्रेंड्स फर्स्ट ऑप्शन आता है हमारे पास, पूरी तरह से उसे अनदेखा करेंगे। तो ये सही होगा गलत होगा आपको बताना है। और बी आएगा, शादी में भाग न ले। और नंबर सी पर आएगा, उसकी बेटी के लिए एक उपहार खरीदोगे और जाऊंगे। ठीक है, और इसके बाद उसे बधाई दे और भाग लेने में सक्षम न होने के कुछ लिए कुछ बहाना तैयार करे। तो फ्रेंड्स इन चार ऑप्शन में से कौन सा सही रहने वाला है। ठीक है, तो फ्रेंड्स सबसे पहले वाला देखिए, एक बार ऑप्शन को फिर पढ़िए, आपकी नौकरानी ने आपको अपनी बेटी की शादी में आमंत्रित किया है, आप क्या करेंगे। तो फ्रेंड्स पूरी तरह से अनदेखा करेंगे, तो ये बिल्कुल गलत होगा। ठीक है, अनदेखा नहीं करना चाहिए। इसके बाद भी आएगा, शादी में भाग न ले, तो ये भी गलत होगा यहाँ पर। इसके बाद आएगा, उसकी बेटी के लिए एक उपहार खरीदोगे और जाओगे, तो फ्रेंड्स ये यहाँ पर बात बिल्कुल सही बैठती है। ठीक है, और इसके बाद फोर्थ नंबर पर आएगा, उसे बधाई दे और भाग लेने में सक्षम न होने के लिए कुछ बहाना तैयार कर दे। तो फ्रेंड्स ये फोर्थ वाला भी यहाँ पर गलत होने वाला है, यानी कि सी यहाँ पर आंसर करेक्ट हो जाएगा। उसकी बेटी के लिए एक उपहार खरीदना चाहिए और खरीद कर वहाँ पर जाना भी चाहिए और तब उसके बाद बधाई देनी चाहिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको ये सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट आपको क्लियर करना है। वहाँ पर हम आज की वीडियो में आपको 6 से 7 क्वेश्चन आपको बताने वाले हैं किस आधार से आपको क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपको एक नई नौकरी के लिए साक्षात्कार कर देना है, यानी कि इंटरव्यू देना है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण रहेगा, यानी कि सबसे पहले फ्रेंड्स आपको देखना है कि आपको कथन बड़ी ध्यानपूर्वक पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद ऑप्शन पढ़ने हैं, पदोन्नति के अवसर, यानी कि जैसे ही आप इंटरव्यू दोगे फ्रेंड्स तो आपको पदोन्नति के अवसर मिल जाएंगे या नहीं मिलेंगे, पारिश्रमिक का भुगतान किया जाएगा, और इसके बाद अपने विचारों को विकसित करने और संगठन के कामकाज में सुधार के लिए उनका उपयोग करने का दायरा, और नंबर डी पर आएगा, उपरोक्त सभी समान रूप से महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख लीजिए एक बार फिर, यहाँ पर ऑप्शन क्वेश्चन को आपको दो बार पढ़ना है। आपको एक नई नौकरी के लिए साक्षात्कार देना है, इंटरव्यू देना है, निम्नलिखित में कौन सा प्रश्न आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर पदोन्नति के अवसर भी यहाँ पर प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, और पारिश्रमिक का भुगतान किया जाएगा, ये भी यहाँ पर होने वाला है फ्रेंड्स। और जब दो आंसर हो जाते हैं तो फ्रेंड्स, और फोर्थ आता है कि उपरोक्त सभी, तो फ्रेंड्स सभी हो जाते हैं, लेकिन तीसरा भी यहाँ पर देख लेना है, अपने विचारों को विकसित करने और संगठन के कामकाज में सुधार के लिए उनका उपयोग करने का दायरा भी यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा, जैसे आप इंटरव्यू दोगे वहाँ पर काम करोगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आपको यहाँ पर डी आंसर करेक्ट करना है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं यहाँ पर, यदि आप एक प्रबंधक है और आपके कर्मचारियों में से एक ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो एक प्रबंधक के रूप में आप क्या करेंगे। तो सबसे पहला आता है, आदमी को सुधारने के लिए 2 सप्ताह देंगे। तो फ्रेंड्स ये बात बिल्कुल गलत होगी, यहाँ पर सुधारने का कोई मौका यहाँ पर नहीं दिया जाएगा। 2 सप्ताह का तो कोई मतलब नहीं है, और कोई टेक्निक अपनानी चाहिए, उससे बात करें और उसकी समस्या का पता लगाने की कोशिश करें। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये बात बिल्कुल सही बैठती है, बी आंसर की यहाँ पर सही बैठती है, लेकिन सी को भी देख लेते हैं, उसे हटा देंगे। तो फ्रेंड्स ये भी उचित नहीं होगा कि जरा से अनदेखी करने के साथ साथ उसमें थोड़ा सी मिस्टेक होने के साथ साथ उसे हटा देना, ये समस्या का हल नहीं है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं, किसी अन्य काम में आदमी की क्षमताओं और रुचि को विकसित करने का प्रयास करेंगे। तो फ्रेंड्स जो काम उसको दिया गया है, जो कार्य उसको दिया गया है, उसी के अनुरूप उसको कार्य कर देना या कर लेना चाहिए। ठीक है, और उसी पर इसको सैलरी प्राप्त होती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये डी भी गलत हो जाएगा। अब यहाँ पर आंसर कौन सा होगा, आंसर हो जाएगा हमारे पास ये, उससे बात करें और उसकी समस्या का पता लगाने की कोशिश करें कि वो क्यों
प्रॉब्लम हो रही है उसको, या मतलब कोई समस्या है या फिर कोई और अन्य काम है, तो फ्रेंड्स उसकी समस्या का पता लगाकर उसकी समस्या का हल करना चाहिए या फिर हल ढूंढना चाहिए, ठीक है। यानी कि यहाँ पर बी आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखते हैं, यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन फ्रेंड्स आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। आप सहपाठी, क्वेश्चन है आपके पास, कथन है आपके पास, आप सहपाठी जो आपको हॉल ही में एक शिक्षक के साथ एक फिक्स में मिला था दुर्घटनाग्रस्त हो गया है, आप क्या करेंगे। एक बार फिर पढ़िए, आप सहपाठी जो आपको हॉल ही में एक शिक्षक के साथ एक फिक्स में मिला था दुर्घटनाग्रस्त हो गया है, आप क्या करेंगे। जीवन से अप्रभावित हो जाएंगे, यानी कि जीवन से प्रभावित रहेंगे, तो फ्रेंड्स ये बात यहाँ पर बिल्कुल गलत बैठती है। महसूस करें कि भगवान ने उसे एक सबक सिखाया, तो फ्रेंड्स ये भी बात यहाँ पर बिल्कुल गलत बैठती है। अब देखते हैं सी पर क्या आता है, अस्पताल में उससे मिलने का फैसला करेंगे, तो फ्रेंड्स ये बात बिल्कुल सही है यहाँ पर कि उसका पता लेने के लिए जाएंगे, उसको कितनी चोट आई है या फिर अन्य प्रॉब्लम तो नहीं है, उसका पता लेने में ही समझदारी यहाँ पर रहने वाली है, ठीक है। और डी देखते हैं, दूसरों को बताएं कि इस तरह दूसरों को पीड़ित करने के लिए प्रयास करें, तो फ्रेंड्स ये भी हमारा नकारात्मक बात आई है, यहाँ पर ये भी गलत होने वाला है, तो यहाँ पर सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। अस्पताल में उससे मिलने का फैसला करें, यानी कि उसकी हालत को देखने के लिए वहाँ पर जाए, उसका पता लाए और उसके और समस्या का भी पता करें, ठीक है। यानी कि यहाँ पर सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखते हैं, यहाँ पर यदि एक परीक्षा कहाँ पर है फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए, यदि एक परीक्षा कक्ष में आप पाते हैं कि प्रश्न पत्र आपके द्वारा संतोषजनक उत्तर देने के लिए बहुत कठिन है, तो आपके लिए सबसे अच्छी बात यह है कि क्या, यानी कि सबसे पहला आता है परीक्षक को बताए कि प्रश्न निश्चित रूप से बाहर है, तो फ्रेंड्स ये बात बिल्कुल उचित नहीं बैठती, ठीक है। उम्मीदवारों को परीक्षा हाल से बाहर निकलने के लिए प्रोत्साहित करें, तो फ्रेंड्स यदि पेपर हार्ड आता है, एग्जाम हार्ड आ जाता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अपने सहपाठियों को भी परीक्षा हॉल से बाहर निकलने के लिए प्रोत्साहित करें, तो ये बात बिल्कुल गलत होगी यहाँ पर। इसके बाद अपने पड़ोसी से कुछ जानने की कोशिश करें, तो फ्रेंड्स ये भी हमारी नकारात्मक बात कहलाएगी, ठीक है। और इसके बाद प्रश्नों को हल करने का प्रयास करें, जितना आप जानते हैं उतना ही ठंडा सिर के साथ, यानी कि अपने माइंड को ठंडा करने के साथ साथ आपसे जितने क्वेश्चन आते हैं, तो फ्रेंड्स वही करना उचित रहेगा, यानी कि डी आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपको सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट के क्वेश्चन आपको हल करने हैं, ठीक है। इसके बाद देखते हैं, यहाँ पर ये आएगा, आपके प्रेमी प्रेमिका को एक नया काम मिला है और बहुत व्यस्त है, आप उपेक्षित महसूस करते हैं, क्या करते हैं। एक बार फिर पढ़िए कथन को, आपके प्रेमी प्रेमिका को एक नया काम मिल गया है और बहुत व्यस्त है, आप उपेक्षित महसूस करते हैं, क्या करोगे फ्रेंड्स। यानी कि आप उससे बात करते हैं और दोनों समय के साथ समायोजित हो जाएं, तो फ्रेंड्स ये बात यहाँ पर पहले ही ऑप्शन में बिल्कुल करेक्ट आती है। क्यों आती है, क्योंकि जब आपस में मिल जाएंगे तो फ्रेंड्स बात भी करेंगे और दोनों समय के साथ समायोजित हो जाएंगे, समय के अनुकूल स्थितियों को जानने की कोशिश भी करेंगे, ठीक है। और बी आता है, आप उसके प्रति एक अनजान व्यवहार करते हैं, तो फ्रेंड्स बिल्कुल गलत है। इसके बाद आता है, आप आत्मनिर्भर बनेंगे और खुद को दोषी पाते हैं, तो फ्रेंड्स ये भी यहाँ पर बिल्कुल बात गलत कहलाएगी। और उसके बाद आप तय करते हैं कि आप समायोजित नहीं कर सकते और इस लिए अलगाव के बारे में सोच रहे हैं, तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये भी बात बिल्कुल गलत कहलाएगी। जब प्रेमी और प्रेमिका है फ्रेंड्स, तो वे क्या करेंगे, आप समायोजित नहीं कर सकते, समायोजित करना पड़ेगा और इसलिए अलगाव के बारे में सोच रहे हैं, तो फ्रेंड्स अलगाव की तो बात ही यहाँ पर पैदा नहीं होती, ठीक है। यानी कि यहाँ पर ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। ए आंसर कौन सा, आप उससे बात करते हैं और दोनों समय के साथ समायोजित हो जाएंगे, समय के अनुकूल परिस्थितियों को जानने की कोशिश भी करेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने 5 से 6 क्वेश्चन आपको बताए हैं फ्रेंड्स, और यहाँ पर हमारी जो लॉजिकल रीजनिंग के चैप्टर है फ्रेंड्स वो कंप्लीट हो जाते हैं। लास्ट वीडियो थी और इसके बाद हम एक्स्ट्रा सब्जेक्ट पर बात करेंगे, ठीक है। यानी कि इसी आधार से आपको क्वेश्चन तैयार करने हैं, और तो तैयार करने के साथ साथ अपने डिस्क्रिप्टिव एग्जाम्स की तैयारी बड़ी अच्छे से कर लेनी है, ठीक है। तो फ्रेंड्स यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो बनते हैं, प्लस आज हमसे जुड़ जाए, तो फ्रेंड्स मिलते हैं लेटेस्ट वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।